हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट केक, जो कि सूजी से बना है और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट बना है। और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए सूजी। सूजी हमने 2 कटोरी ली है। इसे मैंने मिक्सर जार में बारीक करके पीस लिया है। ये देखिए, 1 कटोरी चीनी ली है हमने, इसे भी हमने बारीक पीस लिया है। 1 कटोरी दूध लिया है, आधी कटोरी कोका पाउडर लिया है, 1 कटोरी दही ली है, आधी कटोरी तेल लिया है, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है और 1/2 चम्मच ने बेकिंग सोडा लिया है। सबसे पहले हम बाउल में दही डालेंगे, इसे थोड़ा सा फेंट लेंगे। अब हम इसमें ये तेल डाल देते हैं। हमें तेल और दही को अच्छे से मिक्स करना है। ये जिसमें तेल दिख रहा है, ये दिखना नहीं चाहिए। इससे इतना फेंटना है कि मिक्स हो जाए। ये देखिए, अच्छे से फेंट लिया हमने इसे, अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमें इसमें ये चीनी डालनी है। चीनी को हम छान के फिर यूज़ करेंगे। हमने चीनी छान ली, अब हमें इसे मिक्स करना है। ये देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हमें इसमें सूजी डालनी है। सूजी भी हमें छान के यूज़ करनी है। पहले हम इसमें थोड़ी सूजी डालेंगे, इसे छान लेंगे। इसे मिक्स कर देते हैं। ये सूजी इसमें मिक्स हो गई। फिर से थोड़ी सी सूजी छान के फिर से इसमें मिक्स करनी है हमें। ये देखिए, हमें एक साथ इकट्ठी सूजी नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी डाल के फिर इसे मिक्स करना है। इस तरीके से बाकी सूजी भी डाल देते हैं। ये हमने इसे मिक्स कर दिया। ये देखिए, ये बैटर बहुत गाढ़ा है। हमने इसमें कोको पाउडर डाल दिया। इसे मिक्स कर देते हैं अच्छे से। हमें स्मूथ बैटर रेडी करना है, इसलिए अब हम इसमें दूध डालेंगे। ये देखिए, दूध भी हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, इकट्ठा दूध नहीं डालेंगे। अब इसे मिक्स कर देते हैं। ये देखिए, अभी भी बैटर गाढ़ा है, इसमें थोड़ा सा दूध और डालते हैं। ये देखिए, मिक्स कर देते हैं अच्छे से। ये हमने इससे अच्छे से मिक्स, ये देखिए बहुत चॉकलेटी लग रहा है। हमें इसे आधे घंटे के लिए ढक के रख देना है ताकि ये सूजी अच्छे से फूल जाए। आधा घंटा हो गया है, इसे देखते हैं। सूजी अच्छे से फूल गई है। ये बैटर और भी गाढ़ा हो गया है। ये देखिए, बहुत थिक लग रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि हमारा बैटर बहुत थिक हो गया है। सूजी अच्छे से फूल गई है, इसलिए बैटर थिक हो गया है। ये देखिए, हमने इसमें दूध डाल के इसके बिल्कुल स्मूथ बना लिया है। ये देखिए, अब हम इसमें ये बेकिंग सोडा डालेंगे। हमने 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा ली है और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है, वो भी इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे।
अच्छे से मिक्स हो गया है। ये हमने ये टिन लिया है केक टिन, इसे चारों तरफ से हमने तेल लगा दिया है और इसमें ये बटर पेपर बिछा दिया है। ये देखिए, अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप ऐसे भी ऑयल लगा सकते हैं। और अब हम इसमें ये बैटर डाल देंगे। सारा बैटर हमने इसमें डाल दिया। ये देखिए, इसे टैप कर देंगे। हमने ये हमारी कढ़ाई प्री हीट करने के लिए रख दी थी 10 मिनट पहले कम आँच पे। अब हम इसमें ये टिन रख देंगे और इसे ढक्कन लगा के बेक करेंगे। इसे बेक होने में 45 मिनट लगे हैं। ये देखिए, अच्छे से बेक हो गया है। चेक करते हैं, ये देखिए बिल्कुल क्लीन आई है स्टिक। केक बहुत ही अच्छे से बेक हो गया है। अब हमें इसे ठंडा करना है। ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हमें चाकू की सहायता से कोनों से इसे निकालना है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से। अब हम इसे प्लेट में निकाल देते हैं। बहुत ही इजीली निकल गया है। ये देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। अब हम इसके ऊपर ये चॉकलेट चॉकलेट सॉस डाल देते हैं। ये हमने नारियल का बुरादा लिया है जिसे इसे हम डेकोरेट कर रहे हैं। ऐसे कट करके देखते हैं। बहुत ही इजीली कट हो रहा है, बहुत सॉफ्ट बना है। ये देखिए, मैं आपको इसका पीस निकाल के दिखाती हूँ, इसकी थिकनेस दिखाती हूँ। ये देखिए, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।